बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स एमसीक्यू स्पीच एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये 11/10/2020 को NTS के ज़रिए CT यानी सर्टिफाइड टीचर का पेपर हुआ था बुनेर में, तो इसका फुल पेपर मेरे पास मौजूद है। इसको पार्ट वाइज मैं पोर्शन वाइज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज का पहला पोर्शन जो है ये है जर्नल साइज का पोर्शन, इसमें 20 MCQs हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब मैं आप सबके सामने हल करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को देखे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, द थिन एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज नोन एज। सो लीफ यानी पत्ते का जो सब हिस्सा होता है, जो फैला हुआ होता है, और इसको क्या कहते हैं? इसको लेमिना कहते हैं। लेमिना इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड मैटर्स फ्राम लिक्विड मैटर्स इन अ मिक्सचर ऑफ टू। ये कह रहा है कि कौन सा ये टेक्निक है नीचे में कि सेपरेट इनसॉल्युबल को, यानी इनसॉल्युबल जो हल ना हो किसी भी यानी पानी वगैरह में, जिस भी चीज़ में हल ना हो, इनसॉल्युबल मैटर्स को लिक्विड मैटर, लिक्विड जो बहते हैं, इनसे कैसे जुदा करते हैं, कौन से तरीके से। सो इसका जो तरीका है ये फिल्ट्रेशन का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट। ये तमाम एनर्जी की किस्म है सिवाय एक के। लाइट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एयर जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, विच ऑफ दीज इज सीन फ्रॉम द अर्थ वंस अबाउट एवरी 76 ईयर्स। तो ये कौन सा अर्थ से जो 76 साल, हर 76 साल बाद एक दफ़ा नज़र आता है ज़मीन से, वो क्या है? वो कमिट्स है। कमिट्स इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, अ थिक मस्कुलर मेम्ब्रेन सेपरेट द लंग फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड। मस्कुलर मेम्ब्रेन को सेपरेट करने वाला यानी फेफड़ों से, तो इस कैविटी को क्या कहते हैं? इस कैविटी को कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, द लोअर सोलन पार्ट ऑफ कार्पल्स इन फ्लावर इज टर्म्ड एज। सो सोलन पार्ट ऑफ कार्पल्स जो होता है फ्लावर का, इसको क्या कहते हैं? इसको स्टिग्मा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज जो है आप देख लें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, द वाटर पासिंग थ्रू द लैंड डिजॉल्व्स मेनी साल्ट्स ऑफ मेटल सच एज। जब पानी गुजरता है लैंड डिजॉल्व मेनी साल्ट्स ऑफ मेटल्स सच एज। इसका फ्रेंड मुझे इतना खास कंफर्म नहीं है, किसी को कंफर्म है तो आप मुझे बताइएगा। मुझे ये कैल्शियम लग रहा है, इसका आंसर कैल्शियम मुझे लग रहा है, लेकिन अगर किसी को कंफर्म पता है तो मुझे बताइएगा लाजमी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला कौन सा है? Mg3N2। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, नेचुरल गैस कंटेन्स 85-90% ऑफ मीथेन पर मुश्तमिल होता है। मीथेन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, इन बॉइलिंग वाटर, वाटर मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ
बॉइलिंग जब पानी बॉयल होता है तो वाटर जो है ये मूव करता है नीचे से ऊपर तक, तो ये कौन सा एग्जांपल है किसका? कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, व्हाट वाज मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एडविन हबल? एडविन हबल ने कौन सा चीज़ यानी इजाद किया था? उसने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वार ओरिजिनली कंसनट्रेटेड इन 1 माइक्रोमीटर इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये एक स्टेटमेंट है कि तमाम मादे जो हैं यूनिवर्स में उसका ओरिजिनल कलर जो है वो 1 माइक्रोमीटर है, तो ये बिग बैंग थ्योरी का स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज जो है क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन? तो ये क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर जो है क्रोमोसोम्स है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप? फ्रेंड्स ये मैंने बहुत दफ़ा चेक किया है, मेरे ख्याल से ये टोबैको है, लेकिन इस पे भी शकी हूँ कि वेट भी हो सकता है गंदम। टोबैको इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, किसी को कन्फर्म है इसका भी मुझे बताइएगा लाजमी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, टॉयलेट्स ड्रेन्स एंड वेस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ। ये किसको पॉल्यूट करते हैं? टॉयलेट ड्रेन्स ये समंदरों को पॉल्यूट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम वी एंड प्रेशर पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये किस चीज़ का स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर बराबर है वी इंटू पी, ये बॉयल्स ला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, द नंबर विथ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड इज द नंबर ऑफ प्रॉपर यूनिट। फ्रेंड इसका मुझे कंफर्म पता नहीं है, इसका मुझे लग रहा है कि ये भी यूनिट हो सकता है या मेजरमेंट हो सकता है, इसका भी मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी उसकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, अ स्पेस क्राफ्ट इंटर्स द स्पेस एंड देन रिटर्न टू द सरफेस विदाउट हैविंग गॉन इन टू ऑर्बिट। एक स्पेस क्राफ्ट होता है जिसमें बंदे ऊपर स्पेस पे जाते हैं, तो वो उधर स्पेस पे चला जाता है और स्पेस से फिर वापस ज़मीन पे आता है, लेकिन वो ऑर्बिट में दाखिल नहीं होता। क्यों? सब ऑर्बिटल, ये ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है, सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ फॉर शिप्स ग्राउंड व्हीकल एरोप्लेन्स एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेस? ये कौन सा चीज़ है? ये GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो फ्रेंड तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये जनरल साइंस का पोर्शन था तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, इंशाल्लाह बाकी पोर्शन भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, फुल पेपर मेरे पास मौजूद है, तब तक के लिए मेरे साथ रहेगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, एडमिन आरिफ किंग के साथ, अल्लाह हाफिज़।